दो डायग्राम्स दे रखे हैं, कंप्यूटर रे डायग्राम गिवन दैट आई सी इज 41 डिग्री फॉर ग्लास टू एयर इंटरफेस। ये नॉर्मली पता भी होता है, चलिए बनाते हैं। ये 90 है, आइसोसलीस हैं 45 एंड 45। ये एक रे भेजिए, बनाइए नॉर्मल। ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, होगी 90 हो चुका है। अब ये भी 90 है, तो ये क्या हुआ 45। 45 तो 41 से ज़्यादा होता है, तो TIR हो जाएगा। ये लो TIR हो गया। फिर से आप एक बनाइए नॉर्मल। हमको पता है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, ये भी 45 है ना, तो ये भी क्या हो गया 45, क्योंकि ये 90 था, ये 90 है, तो ये भी क्या है 45, तो ये क्या हो गया 45। दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस में डेंजर की जगह में मीडियम में 41 से ज़्यादा है, फिर से TIR होगा, 45 पे आ जाएगी। तो दोनों 45 45 में अगर 90 हुआ ना, तो इसलिए 90 डिग्री जा रही है, सरफेस पे गिरेगी और ऐसे बाहर आ जाएगी। तो ये आपका एरो की इमेज बनी थी, तो आप एरो बना लीजिए ऐसे। ऐसे आप क्यू को फॉलो करिए, ये देखो क्यू ऊपर आ गया, तो मैं देखा कि इमेज जो है वो 180 डिग्री इन्वर्ट हो गई, तो दिस इज 180 डिग्री इन्वर्जन। तो ऐसे आप अगर प्रिज्म रखेंगे तो आप 180 डिग्री से लाइट को घुमा सकते हैं। सिमिलरली 90 है, ये 45, ये कितना था, ये आई थिंक 60 है, 30 है, नहीं ये भी 45 दे रखा था उसमें, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीका है बनाने का, ये ले लो, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही है, क्योंकि हमेशा 40, ये 45 पे गिरेगी, ये भी 45 होगा, 45 41 से ज़्यादा है, तो दिस विल बी द डायग्राम एंड यू कैन सी दैट योर इमेज हैज़ बीन रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो टू डिविएट लाइट बाय 90 डिग्री, लाइट बाय 90 डिग्री, ये ऐसा केस है जो लाइट को 90 डिग्री से डिविएट कर सकता है।